आठ फेरों का आठवां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर के कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर जरूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। जरा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है। कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे, और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहां से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फोटो दिखाई है, संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार होना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो, अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसकी मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए, इनसे मिलिए, ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ। वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है, नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहां बोल पड़ी, हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि घर के लड़कियां घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वरना भाई साहब आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना, शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग, अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं। क्यों भैया? भाई हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे, सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय हो गया है, अब कन्या अपने वर से सात वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाएं तो मुझे भी ले जाएंगे, आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे, आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होगी, हर जरूरी बात में मेरी भी राय लेंगे, आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे, आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध नहीं बांधेंगे। ये सात वचन पूरे हुए, वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मंजूर है? जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छे तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया। तो इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। एक मिनट पंडित जी, अभी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, तो पति के अलावा मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूंगी। अब कहो बेटी।
मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आज़ादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। स्वाति की बात सुनकर उसके सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? रानी बन के रहोगी तुम तो? वचन देने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए इस कारण स्वाति के सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? हमें मंजूर है बेटा तुम्हारी शर्त। स्वाति अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है। अब से हर शादी में मैं खुद 8 वचन दिलवाऊंगा। ओम मंगलम मंगलम मंगलम।